कानून अंधा है, यह डायलॉग अक्सर सुनने को मिलता था। अंधा कानून के नाम से तो एक फिल्म तक बन चुकी है। वजह रही अदालतों में मौजूद कानून की देवी की मूर्ति की आंखों में बंधी हुई पट्टी। डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून की आंखों पर बंधे इस पट्टी को खोल दिया है और हाथों में तलवार की जगह संविधान थमा दिया है, ताकि न्याय अब आंख बंद कर नहीं आंखें खोल कर हो सके। पहले प्रतिमा के एक हाथ में तलवार रहा करती थी और बाएं हाथ में तराजू, जबकि आंखों पर पट्टी रहती थी। नई प्रतिमा के तराजू को अब दाएं हाथ में रखा गया है और बाएं हाथ में संविधान रखा गया है। साथ ही गाउन की जगह भारतीय नारी की पहचान लिबास साड़ी रखी गई है। 6.5 फीट की प्रतिमा का वजन 125 किलो है। इस तरह ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा को बदलकर भारतीय कर दिया गया है। बता दें कि इस मूर्ति को शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखरेख में बनाया। संविधान निर्माण और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट के भीतर कई बदलाव हुए। पहले इस राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। फिर सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की वकील के वेशभूषा में प्रतिमा लगाई गई और अब न्याय की देवी की मूर्ति में अहम बदलाव किए गए हैं। निश्चित तौर पर यह शानदार कदम है, लेकिन सवाल यह है कि इससे बदलेगा क्या। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने अमर उजाला में अपने एक संपादकीय में सवाल उठाया है कि हाई कोर्ट और जिला अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी के स्वरूप में बदलावों से जिला अदालतों के करोड़ों लंबित मामलों में आम लोगों को कैसे राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अंबेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलित दस्तक @gmail.com पर ईमेल करें।